हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज स्पेशली मैं वीडियो सोडा बोतल फिलिंग प्लांट का फुल्ली प्रोसेसिंग वाला वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके अंदर बोतल के ऊपर स्टिकर कैसे लगता है, बोतल कैसे धोती है, उसके बाद फ्लेवर कैसे या मशीन में से सोडा कैसे भरी जाती है, उसके बाद बंच पैकिंग कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो के अंदर पूरी टोटली जानकारी और पूरी टोटली डिटेल्स देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए, जिससे आपको ये बिजनेस करने में आसानी होवे दोस्तों, और इसकी मालूमात ये वीडियो के अंदर से आप टोटली मालूमात और मशीन की डिटेल्स ले सको दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, ये मशीन के अंदर आप इस टाइप की प्रोडक्ट बना सकते हो, जिसके अंदर प्लेन सोडा है, किनली लहर टाइप का, जीरा मसाला, ऑरेंज है, मैंगो, माजा, आरबुल, बहुत सारी अलग अलग, एक से लेकर 40 अलग अलग फ्लेवर की वेराइटी आप फिल कर सकते हो ये बिजनेस के अंदर। ये मशीन के अंदर दोस्तों आप 10 ml से लेके 5 लीटर तक की बोतल भर सकते हो दोस्तों 200 ml, 250 ml, 300 ml, 600 ml, लीटर, 1.25 लीटर, 2.25 लीटर, 2.5 लीटर, जैसा भी आपको प्रोडक्शन करना है, ये मशीन के अंदर से आप पूरी टोटली प्रोडक्शन ले सकते हो दोस्तों। और ये बिजनेस है दोस्तों आज की तारीख में मार्केट में सबसे ज़्यादा, हर एक सिटी, हर एक लोकेशन, पूरे इंडिया की कोई भी जगह पर सबसे ज़्यादा चलने वाली ये बिजनेस है दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक की। आप भी अपने मार्केट में इस टाइप का ड्रिंक पीते होगे दोस्तों, इसके अंदर फ्लेवर वाला ड्रिंक जैसे जीरा मसाला है, ऑरेंज है, और 10 रुपये में बाजार में मिलता होगा 200 ml का। ये बोतल बनाने का आपको खर्चा दोस्तों 4.5 रुपये का लैंडिंग आता है, कंप्लीट बोतल का बनाने का खर्चा, कोई भी फ्लेवर का, आप कोई भी फ्लेवर बनाओ, जैसे जीरा मसाला है, ऑरेंज है दोस्तों, फ्रूट बियर है, मैंगो है, माजा है, फ्रूटी है, आरबुल है, ब्लैकबेरी है, ब्लू क्रब, बहुत सारी अलग अलग फ्लेवर्स आती है दोस्तों, कोई भी फ्लेवर बनाने का खर्चा 4.5 का गिरता है। अगर आप प्लेन सोडा बनाते हो, इस टाइप का भी जो बोतल में भरा है, इसके अंदर क्लब सोडा भरा हुआ है प्लेन सोडा का, तो ये बोतल बनाने का खर्चा आपको 3.70 रुपये का गिरता है। फ्लेवर बनाने का खर्चा आपको 4.5 रुपये का गिरता है। 4.5 रुपये के अंदर दोस्तों हर एक चीज़ इंक्लूड है, जैसे कंप्लीट बोतल, इसका ढक्कन, इसका स्टिकर, इसका फ्लेवर, इसका बंच पैकिंग, इसका शुगर, चीनी, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वर्क, सब इसके अंदर इंक्लूड है दोस्तों। और ये छोटी सी मशीन से कैसे प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों, मैं वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाले दोस्तों। ये स्टार्टिंग मॉडल है हमारा, छोटे में छोटा मॉडल है, इससे सब बड़े मॉडल, सब स्टार्टिंग में ये मॉडल आते हैं, उसके बाद सब अलग अलग बड़े मॉडल्स आते हैं इसके अंदर दोस्तों। तो अगर आप ये बिजनेस के अंदर नए हैं, न्यू डेवलपमेंट है, नया एंट्री है, तो आप ये छोटा मॉडल लेके अपना एक स्मॉल इन्वेस्ट के अंदर, लो इन्वेस्ट के अंदर आप अपना एक सोडा बोतल फिलिंग प्लांट का खुद का एक फैक्ट्री बना सकते हो दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके दोस्तों एंड तक आप देखिए, हमारे पास इसके साथ इसमें बहुत सारे बड़े मॉडल्स भी है, इससे बड़ा मॉडल से है, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट, ऑटोमेटिक प्लांट दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है, लेकिन ये मशीन के अंदर मैनुअल पर्पज से आप कैसे काम कर सकते हो, मैं आपको वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे स्टिकरिंग लेबलिंग लग रहा है, जो बोतल खाली बोतल रहती है दोस्तों, ये एम्प्टी बोतल रहती है, प्लेन बोतल रहती है, ये प्लेन बोतल के ऊपर आपको जो भी फ्लेवर का स्टिकरिंग लगाना है मैन्युअली, आप इसके ऊपर स्टिकर लगा सकते हो, जैसे कि अभी हमने इसके अंदर लगाया हुआ है क्लब सोडा का स्टिकर है, आप देख सकते हो, बूस्टर सोडा है क्लब सोडा करके, ये हमने ऑलरेडी इसके अंदर, यहाँ पे सबसे पहले स्टिकरिंग लगेगा, जैसे हमने अभी सेटअप बनाया है वैसे ही आप अपना खुद का सेटअप बना सकते हो दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको बोतल के ऊपर स्टिकर लगाना है, उसके बाद यहाँ पे बोतल धोने का वॉशर है जो हम मशीन के साथ में ही फ्री में देते हैं, ये हिसाब से आप बोतल को वॉश कर सकते हो। आप देखिए दोस्तों, ये बोतल रख के आपको नीचे पेडल दिया है, उसके अंदर पेडल लगाना है, जैसे आप पेडल दबाएंगे यहाँ से फाउंटेन स्टार्ट होगा, दबाइए पेडल, ये आप देख सकते हो दोस्तों, दबाओ, ये आप देख सकते हो यहाँ से फाउंटेन होता है, दबाओ, ऐसे बोतल पूरा इसके अंदर, छोटा मोटा कोई भी नया बोतल में डस्ट या कचरा होता है यहाँ से निकल जाएगा इसके अंदर से। उसके बाद यहाँ पे जो आदमी बोतल फिलअप करेगा, जैसे अभी तो हम इसके अंदर सादा सोडा, प्लेन सोडा फिलअप करने वाले हैं, तो हम आपको प्लेन सोडा भर के बताएंगे, जब आपको फ्लेवर फिल करना है तो पहले सोडा भरना है यहाँ पे से, फिर यहाँ से सिरप भरना है। अभी मशीन के अंदर टेम्परेचर 0 का है, आप देख सकते हो, इसका चिल्ड्रेनस टेम्परेचर 0 नंबर पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे काउंटिंग सिस्टम है कितना बोतल कौन सा फ्लेवर का निकाला। अगर आप लेबर वर्क छोड़ देते हो दोस्तों और शाम को आके हिसाब करते हो, तो यहाँ से आप काउंट गिन सकते हो कि आपकी मशीन ने कितना सोडा और कितना बोतल निकाला है। अभी हम इसके अंदर से प्लेन सोडा, ये बटन हमने ऑलरेडी 200 ml सोडा का सेटिंग किया हुआ है इसके अंदर, ये बोतल रख के हमें बटन दबा के छोड़ देंगे, जो हमने सेटिंग किया है 200 ml का, उतना ही सोडा इसके अंदर से गिरेगा। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 200 ml का सोडा गिर के यहाँ पे बंद हो गया,
यहाँ तक भर गया सोडा, फिर बंद हो गया, क्योंकि हमने उतना ही सेटिंग यहाँ मशीन में किया है कि हमारे को इतना ही सोडा चाहिए। अभी आपको पूरा बोतल भरना है, यहाँ तक का बोतल भरना है, तो हम इसमें सेटिंग थोड़ा बढ़ा देंगे, बढ़ा के इसको पूरा बोतल भर देंगे। आपको जितना भी सेटिंग करना है अपने हाथ से, अपने मैन्युअली आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो दोस्तों। अभी क्वांटिटी बढ़ाना है तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं, ये पहले से ज़्यादा क्वांटिटी होगी, आप देख सकते हैं, यहाँ की जगह यहाँ तक बोतल भर गया इसका। इसके अंदर क्वांटिटी हमने पहले कम भरा था, अभी ज़्यादा भरा है इसके अंदर, इसलिए क्वांटिटी बढ़ गया इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे इसका कैपिंग है, ढक्कन पैक करने का कैपर हमने यहाँ पे लगाया है, जिसका स्विच हमने यहाँ पे दिया गया है, ढक्कन यहाँ पे हमने कैपिंग का बाउल भी दिया है। आप यहाँ से ढक्कन उठा के यहाँ से आसानी से इसको यहाँ से लगा सकते हो। ये लगाने के बाद ये बोतल आपको यहाँ पे रख देना है। ये आपकी बोतल हो गई तैयार, ये मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो चुकी है बोतल। आप इसको डेट लगा के मार्केट में आराम से सेल कर सकते हो दोस्तों। वही तरीके से हम दूसरा भी एक बोतल आपको कैप करके बताएंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे हमने को बोतल रखना है, यहाँ पे बंच पैकिंग होगा, जैसे कि आप 4 पीस, 8 पीस, 10 पीस, 12 पीस, 25 पीस, 24 पीस, जैसा भी बंच बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे 4 पीस या 20 पीस या 25 पीस जैसे भी रखना है आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हीट गन लगाना है, ये आप देखिए पूरा चिपक जाता है, ये पूरा पॉलीथीन है वो बोतल को पकड़ ले लेता है, पकड़ में ले लेता है, इसलिए वो बोतल गिरती नहीं है, चारों चार बोतल एक हो जाती है, आप देख सकते हैं पूरा। ये 4 पीस का दोस्तों बंच तैयार होके रेडी हो चुका है, ये मार्केट में आप सेलिंग के लिए तैयार है। अगर आप, हम तो ये सैंपल ड्रिंक हमारे कस्टमर को भेज रहे हैं 4 पीस का, अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो 20 पीस है, 25 पीस है, 30 पीस है, वैसा आप मार्केट में सोल्ड आउट बना के कर सकते हो दोस्तों। ये आपका मार्केट में रहने जाने के लिए तैयार है फ्लेवर आपका। अभी हमने इसके अंदर बूस्टर सोडा फिलअप किया है, क्लब सोडा फिलअप किया है, आप देख सकते हो दोस्तों। और मैं सोडा की क्वालिटी भी आपको बताता हूँ कि हमारी मशीन में से कैसी क्वालिटी निकलती है। मैं आपको यहाँ पे एक बोतल भर के इसकी क्वालिटी का मैनेजमेंट आपको कराता हूँ, मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ मैं। अभी हमने इसके अंदर थोड़ा स्ट्रांगनेस कम करता है रखा है, स्ट्रांग की क्वालिटी थोड़ी कम रखी हुई है दोस्तों, इसलिए मार्केट में ये भी कुरियर होने जाएगा कस्टमर के, इसलिए हमने कम रखी है। अगर ज़्यादा भरेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस पर जाएंगे तो फूटने का चांसेस रहता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे एसिड की तरह पूरा उबाल आ रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सोडा निकलता है दोस्तों। ये छोटी सी पोर्टेबल मशीन के अंदर दोस्तों आपको क्वालिटी, जो मार्केट में ब्रांडेड कंपनी का सोडा मिलता है, जैसे किनली और लहर टाइप का सोडा मिलता है, वैसा सेम स्ट्रांगनेस ये मशीन के अंदर निकाल के देगी दोस्तों आपको। जितनी छोटी सी, जो बड़े बड़े कोका कोला पेप्सी के प्लांट रहते हैं, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, अलग अलग प्राइस के बड़े बड़े प्लांट रहते हैं, वैसे ही सोडा ये मशीन आपको निकालने देती। लेकिन इसके अंदर आपको सेमी ऑटोमेटिक वर्क करना है दोस्तों, जैसे ऑलरेडी हमने लेबर वर्क आपको कैसा है, 1% यहाँ पे बंच बनाएगा, 1% यहाँ पे लेबर लगाएगा, 1% यहाँ पे बोतल धोएगा और 1 बोतल फिल करेगा, तो टोटल 4 आदमियों के अंदर ये मशीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। 4 आदमी के अंदर आप मशीन का काम या प्रोडक्शन ले सकते हो दोस्तों। ये मशीन की दोस्तों 1 घंटे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 200 से 250 बोतल की। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप 1 घंटे में 200 बोतल निकाल सकते हो। अगर गर्मियों का मौसम नहीं है दोस्तों, जैसे ठंडियों का या बारिश का मौसम, थोड़ा टेम्परेचर डाउन वाला मौसम है, तो आप इसके अंदर से 1 घंटे में 250 या 300 बोतल भी निकाल सकते हो। 10 घंटे काम करने पे आपको 2500 बोतल का प्रोडक्शन ले सकते हो। 2 घंटा होल्ड करके आप इसको नाइट शिफ्ट में भी लगा सकते हो दोस्तों, रात में भी आप इसको यूज कर सकते हो मशीन को, ठीक है दोस्तों। तो ये मशीन हमारी एक स्टार्टिंग मॉडल है। हम हमारे कस्टमर कोई बड़ा प्लांट भी लेते हैं उसको यही सजेस्ट करते हैं कि आप छोटा प्लांट लगा के लो इन्वेस्ट के अंदर, कम इन्वेस्ट के अंदर आप मार्केट का स्ट्रेटजी चेक करिए दोस्तों। दूसरे नंबर में दोस्तों हम ये मशीन का पूरा पैकेज आपको साथ में देते हैं, जैसे कि कंप्लीट मशीन, उसका स्टैंड, पूरी मशीन की स्टिकिंग। जैसे कि हमारे कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया था, उसकी मशीन है, उसके अंदर से हम डेमो ले रहे हैं। एक कस्टमर का नाम है एनी मार्क सोडा करके, जो कस्टमर ने हमको नाम दिया था वो हमने नाम लिख दिया इसके अंदर, और कस्टमर की मशीन के ऊपर हम डेमोस्ट्रेशन लेके आपके सामने वीडियो रख रहे हैं दोस्तों। तो मशीन के साथ हम आपको कंप्लीट मशीन, इसका स्टैंड, पूरी मशीन की स्टिकरिंग, पूरी मशीन की वुडन बॉक्स पैकिंग, 100 लीटर का आरओ पानी का आरओ मशीन के साथ में देंगे। फ्लेवर बनाने के लिए फ्लेवर मिक्सचर देंगे दोस्तों, एक CO2 गैस का बोतल देंगे, हॉट गन जो है हॉट गन से पैक हो रहा था अभी आपके सामने, हॉट गन मशीन के साथ में फ्री में मिलेगा।
10,000 बोतल का फ्लेवर स्टार्टिंग फ्लेवर मशीन के साथ में देंगे। जो भी आप फ्लेवर सिलेक्ट करते हैं, ऑरेंज है, फ्रूट बियर है, जीरा मसाला, लाइम लेमन है, कोला है, फुदीना मसाला है, बहुत सारा फ्लेवर हम आपको पूरा लिस्ट देंगे। तो 10,000 बोतल का फ्लेवर हम मशीन के साथ में फ्री में देते हैं और ऑल ओवर इंडिया इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग फ्री है दोस्तों। हमारी टीम, आप ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लोकेशन पे हमारी टीम आपके वहाँ आके, हमने जैसे भी मशीन चालू की है वैसा आपको चालू करके सोडा निकाल के फ्लेवर बेस्ट क्वालिटी का बना के, फ्लेवर 100 डेज तक कैसे अच्छा रहता है उसका रेसिपी बना के, हर एक जानकारी दे के हमारी टीम आएगी आपके वहाँ पे दोस्तों। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप डायरेक्टली हमारी कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हैं दोस्तों। हमारी कंपनी का नंबर नोट कीजिए दोस्तों, 8866575519। दूसरा नंबर है 9638234133। वीडियो के ब्लिंकिंग में भी ये नंबर नोट हो रहा है दोस्तों, आप फोन करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। हमारी सेल्स टीम दोस्तों मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक एक्टिव रहती है, आपको हर एक चीज़ हर एक डिटेल्स देने के लिए तैयार रहती है दोस्तों। तो वो टाइम के अंदर आप कभी भी कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों और मेन चीज़ें, अभी हमें मशीन के अंदर से सैंपल्स निकाल रहे हैं टोटल अलग अलग फ्लेवर्स के, जैसे एक क्लब सोडा है और हमने यहाँ पे ऑरेंज का फ्लेवर बना के रखा है, ऑरेंज है, एक आरबुल का फ्लेवर है और एक जीरा मसाला का फ्लेवर है। चार फ्लेवर अलग अलग हमारे कस्टमर को सैंपल्स के लिए भेजते हैं दोस्तों। जो लॉकडाउन के अंदर अभी की परिस्थिति के अंदर हमारी फैक्ट्री विजिट नहीं कर सकते, अगर आप विजिट कर सकते हो तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम आपको मशीन प्रोडक्शन कैसे बनती है सब जानकारी देंगे। अगर आप प्रोडक्शन यहाँ पे आके नहीं देख सकते हो तो आप घर बैठे सैंपल मंगाए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों, और घर बैठ के सोडा का स्ट्रॉन्गनेस, फ्लेवर का टेस्ट, हर एक चीज़ घर बैठ के टेस्ट करिए कि ये मशीन के अंदर से कैसा क्वालिटी, कैसा स्ट्रॉन्गनेस, कैसा सोडा निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों सैंपल भी मंगाने के लिए हमारी कंपनी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। और मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो बिजनेस आइडिया पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे नए नए बिजनेस, नए नए बिजनेस आइडिया हम आपके सामने शेयर करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।